सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो पहले ही हम लोग बात कर लेंगे कृष्णा भाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो बादशाह भाई का एक इंटरव्यू आया है और इंटरव्यू में बादशाह भाई कृष्णा भाई को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उसी को शेयर करते हुए कृष्णा भाई लिखे थे, बीन इन दिस गेम सो लॉन्ग एंड लर्न टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आई वेटेड फॉर माय टर्न होपिंग इट वुड कम वन डे। वर्ड्स लाइक दिस फ्रॉम समवन लाइक बैड बॉय शाह मेक द वेट वर्थ इट। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी फैन आई मेक एंड ग्रेटफुल फॉर द स्लाइटेस्ट प्रेज आई रिसीव। और आप लोग जानते हो जो लिल बंडी ट्रैक है वो यूट्यूब पर एक नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे, तो इस पर रिएक्ट करते हुए अंकित खन्ना एक ट्वीट करते हुए लिखे थे, ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन, कृष्णा भाई ने सही बोला था, इस साल खत्म कर देंगे। तो मे भी हो सकते और भी डिस्ट्रैक हम लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी हम लोग बात करेंगे बंटा रिकॉर्ड्स का आर्टिस्ट हिट जोन के बारे में। तो भाई का एक इंटरव्यू आया है शो विद कल्पेश के चैनल पे, और जिधर भाई ने कलमकार वर्सेस बंटा रिकॉर्ड्स को लेकर बात करे, आप लोग सुन लो। मतलब पूछ ही लेता हूँ कैसे तुमको क्या लग रहा है, मतलब ये डिस मतलब एक्चुअली इंडिया में मतलब अभी क्या चल रहा है बंटा रिकॉर्ड्स कलम का? हाँ इंडिया में तो ये चल रहा है बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलम का चल रहा है, लेकिन जैसा ना कलमकार बहुत कैसे है ना कि गाना उन लोग तब डालते हैं जब उन लोग को फेम चाहिए रहता। उन लोग गाना डाले फेम मिला, हम लोग गाना डाले फटी गायब, वो लोग गाना डाले फेम मिल गया, अपुन गाना डाले कान फटी सीधा गायब। हाँ। कार हो गया, कलमकार हो गया, कर्मा हो गया, कुछ नहीं काम आता है। हाँ। बंटा रिकॉर्ड से भिड़ने के लिए कर्मा भी नहीं आता है, कर्मा का भी काम नहीं है। हाँ। समझ रहे, वो कर्मा जो होता है ना, आगे कुछ करेंगे, बुरा बुरा करोगे तो बुरा होगा। वो भी एज अ, तुम बंटा रिकॉर्ड साइन होने के पहले कलमकार के कोई आर्टिस्ट को सुनते थे, मतलब एज अ लिसनर? तू भी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, सुनता था रफ्तार को भी, सुना कौन नहीं सुना रफ्तार को, तो सब सुने देंगे। और रफ्तार को ज़्यादा तब सुनने लगा जब रफ्तार आया। और कर्मा का स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता था मेरे को, ठीक है। और कृष्णा है सही है, लिरिकली अच्छा है, लिरिकली बहुत सही है, अभी भी इंटरव्यू हो रहा, लिरिकली बहुत सही है। ये नहीं कि मैं उसका फैन था या कुछ भी था, लेकिन ना कृष्णा का एक गाना लेना भाई और एमिले का एक गाना लेना, और दोनों जाके अपने घर पर सुनाना माँ बाप को। तो माँ बाप ना पहले सबसे पहले एक चमाट मारेंगे अपने को, बोलेंगे भाई क्या सुना रहा है कृष्णा गाना सुन के। हाँ। नहीं क्या ये? हाँ। घर वाले भी सुनना चाहिए ना भाई गाने, अपने को सिर्फ रेफरेंस में मेटाफर में नहीं अटके रहने का। हाँ। समझ रहे? रिकॉर्ड से तुम्हारा कुछ आने वाला क्या नहीं एज अ कलमकार के लिए? कलमकार के लिए नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो लोग कुछ करते ही नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो लोग कुछ नहीं करते। अभी कैसा सीन है ना कि अभी लोग गाना डाल रहे, अभी मैं गाना डालूंगा फिर लोग चुप हो जाएंगे। हाँ। क्या है, नहीं करने का कुछ, रिएक्ट नहीं करने का। और जब उन लोगों व्यूज में आना लगेगा ना। हाँ। कि हाँ भाई पैसा खत्म हो रहा, अकाउंट में ऐड मार रहे नहीं अपन। हाँ। प्रोमो नहीं करने का, ऐड नहीं मार रहे। हाँ। तो चलो बंटा को डिस करते या बंटा रिकॉर्ड्स को डिस करते। हाँ। तुम बंटा रिकॉर्ड्स को भी सुनो, कलमकार को भी सुनो, सबको सुनो, प्यार दो, हिप हॉप को सुनो भाई, हिप हॉप को सुनो, कोई हिप हॉप अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, लेकिन कैसा ना सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार। इक्का का और क्या सीन है, तुम इक्का को सुनते कि नहीं, इक्का कैसा लगता है तुमको? इक्का को सुनता हूँ भाई मैं, इक्का का सब जानता है गाना अच्छा है, माँ बाप में उसका वर्ड अच्छा है, लेकिन भाई इक्का इक्का चिकन टिक्का है भाई, भाई को उसने गलत बोला, उससे कुछ है नहीं भाई का। हाँ। एमिवे भाई का उससे कुछ है क्या? एमिवे भाई उल्टा उसके बारे में आज तक कुछ बोले नहीं है, और उल्टा वो इंटरव्यू में बोलता था एमिवे इज डूइंग गुड, एमिवे इज डूइंग इंडिपेंडेंटली गुड, ये वो अच्छा रूल है भाई, इंडियन हिप हॉप सीन में यूज नहीं आया, बंटा को पकड़ो फेमस। अभी जब इतना गर्मी हो गया तो एक और बंदे के बारे में बोल दो, मैं बोलता हूँ कृष्णा ना। हाँ मालूम था भाई, एकदम पूछ रहा हूँ भाई, क्या कृष्णा के बारे में क्या बोलूँ, वो भाई का एक लाइन है ना, मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, डरा देंगे पाड़ूंगा बीफ से। और जिसके बाद एमसी स्टैंड को लेकर भी बात कर रहे थे, आप लोग सुन लो। तो भाई पांचवा एमसी स्टैंड, एमसी स्टैंड उसका म्यूजिक सही है, उसके लिए कोई हेट नहीं, उसका म्यूजिक सही है एक्चुअल में सही है, वो पीछे नहीं पड़ने वाला बंदा है। हाँ। वो पीछे पड़ा ही नहीं इन लोगों के ऐसा। हाँ। वो खुद के दम पे आगे बढ़ गया, उसको व्यूज आ गए, वो बार बार नहीं भाई एमी में, एमीवे नहीं करता, वो बंटा बंटा करता नहीं, वो अपनी बात करता है, वो अपनी बात करता है, अपनी बात से वो आगे गया है, उसको रेस्पेक्ट है। तो पूरा वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं एमयूए बंटाई के बारे में। तो एमयूए भाई एक पोस्ट अपने स्टोरी पे शेयर कर रहे थे जिस पर लिखा था, फेम चाहिए बचकाने को बोलते बंटाई डीज दे, जो कि एमयूए भाई का 8 साल एल्बम का फोकस ट्रैक का एक लाइन है। तो बेसिकली इससे इनडायरेक्टली रिप्लाई किया गया है कृष्णा भाई को। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता आप लोगों से और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।